am Commander Kulbushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussein Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government agencies. That Mr. Jadhav is of Indian nationality. भारत की आलमी अदालत में रुसवाई कुलभूषण केस में मुंह की खाई, पाकिस्तान के मौकिफ को मिल गई कानूनी पजीराई। अदालत ने दहशतगर्द की सजाए मौत खत्म करने और भारत की हवालगी की दरख्वास्त ठुकराई, करार दिया कि कुलभूषण भारतीय शहरी है, मिलनी चाहिए काउंसलर रसाई। अदालत ने पाकिस्तान को कुलभूषण के मुकदमे और सजा पर मुनासिब वक्त पर नजर सानी की तजवीज भी दे दी। कुलभूषण यादव पर मुकदमा और सजा वियना कन्वेंशन के जुमरे में नहीं आता, आलमी अदालत ने करार दिया। इसका दायरा इख्तियार वियना कन्वेंशन तक महदूद है। सजा की माफी, बरियत या रिहाई कोर्ट का मैंडेट नहीं। कुलभूषण का हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पासपोर्ट असली है। पाकिस्तान के एडहॉक जज तसद्दुक जलानी ने इख्तलाफी नोट लिखा कि भारतीय दरख्वास्त काबिले समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। निहत्ते पाकिस्तानियों को बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाला भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण किसी काउंसलर रसाई का मुस्तहिक नहीं। भारत 60 साल तारीख में आलमी अदालत से वियना कन्वेंशन के तहत ऐसी रियायत मांगने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1982 और 2008 के दो तरफा मुआहदों के मुताबिक सिक्योरिटी मामलों पर गिरफ्तारी पर फैसला अपनी मर्जी से किया जाएगा। भारत को एक और सरप्राइज मिल गया। इसके लिए एक और 27 फरवरी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की जीत है, इससे बेहतर फैसला नहीं आ सकता था। अदालत ने कहा, पाकिस्तान चाहे तो नजरसानी कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट की सजा को कल अदम करार नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल, उनकी टीम और तमाम लोगों ने बेहतरीन काम किया। कुलभूषण के मुतालिक आलमी अदालत का फैसला पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एतराफ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, 2008 के मुआहदे को अहमियत मिलनी चाहिए। एक जासूस को काउंसलर रसाई नहीं दी जा सकती। अगर बरियत रिहाई वतन वापसी की इस्तदा मुस्तरद होने पर भी भारत शादियाने बचाता है तो उसकी मर्जी है। कालादम जमात दावा के सरबरा हाफिज सईद कैंप जेल लाहौर मुंतकिल। सिटी की तरफ से गिरफ्तारी के बाद अदालत ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, 10 साल बाद मुंबई हमलों का नाम निहाद मास्टरमाइंड पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता 2 साल में हाफिज सईद की तलाश के लिए काफी दबाव डाला गया। शहबाज शरीफ के लिए मजीद मुश्किलात, मुंजमद किए जाएंगे आमदन से ज्यादा असासाजात। नैब ने अपोजिशन लीडर और उनकी फैमिली की जायदादें मुंजमद करने के लिए मरासले लिख दिए। मॉडल टाउन लाहौर में 2 जायदादें, डिफेंस में मकान 9 प्लॉट्स, हरिपुर में 3 प्रॉपर्टीज शामिल। शहबाज शरीफ की 32 मुख्तलिफ कंपनीज मुंजमद करने और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त रोकने की भी हिदायत। जज अरशद मलिक की वीडियो खरीदने वाले मियां रजा का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार। मियां रजा NA 120 में बेगम कुलसुम नवाज और नवाज शरीफ का मेन स्पॉन्सर भी रहा। बरतानिया में कारोबार के अलावा पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज और दीगर मामलों में हिस्सा लेता था। नून लीग की कोर कमेटी के अहम रुकन मियां रजा ने दी लायंस के नाम से ग्रुप भी बना रखा था। मियां रजा से मियां तारिक का राब्ता एक मारूफ वकील के जरिए हुआ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को फिर नैब ने तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी में LNG स्कैंडल केस में आज सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 8 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी।
मेरा तो कोई पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरा तो जीना मरना इधर है। मैं उन लोगों की तरह नहीं जिनके सारा अरबों 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 रुपया बाहर पड़ा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गए हैं। उनके मफादात कुछ और है, आधा टैक्स चला जाता है सूद देने पे, तो मुल्क कैसे चल सकता है। पूरा जोर लगाकर स्मगलिंग की रोकथाम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का गुजरांवाला चैम्बर की तकरीब से खिताब। कहा आर्मी चीफ से स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से बात की, मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को FBR पर एतमाद नहीं, 700 अरब रुपए की चोरी होती है, जो शौकत खानम को अतिया देते हैं वो भी टैक्स नहीं देते, सबको टैक्स नेट में लाना है। जनरल सेल्स टैक्स 2007 की कीमतों के बजाय 2015 की कीमतों की बुनियाद पर लागू होगा। इक्तसादी राबता कमेटी ने तमाम अशिया पर GST नफाज की बुनियाद में तब्दीली कर दी। तमाम काबले टैक्स अशिया के साथ बिजली और गैस के टैक्स में भी इजाफा, हर सारिफ के स्लैब पर इस्तेमाल शुदा बिजली पर टैक्स बढ़ाने का फार्मूला मंजूर। कमेटी ने गंदम की बरामद पर पाबंदी भी लगा दी। नई मोटरसाइकिल का जुनून ममता का कर गया खून। कराची में 22 साल नौशाद ने मोटरसाइकिल के लिए जिद की, पैसे ना मिलने पर खुद पर गोली चलाई, जो नौजवान के जिस्म से पार होती हुई मां के सीने में जा लगी। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट और एतराफ से तजावजात का खात्मा, मार्केट की असल हालत में बहाली और एतराफ में हरियाली के लगाने का काम शुरू कर दिया गया। रेलगाड़ियों के हादसात थम न सके, ट्रेन की बोगी में आग लगने का एक और वाकया। लाहौर से कराची जाने वाली जिना एक्सप्रेस की बोगी में जहानी के करीब आग लग गई। मुसाफिरों का कोच को ट्रेन से अलग करने पर असरार, डिविजनल इंजीनियर ने कोच को रवानगी के लिए फिट करार दे दिया। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए यूरोप में दस्तखती मुहिम जारी। कश्मीर काउंसिल EU की 1 मिलियन सिग्नेचर मुहिम बेल्जियम से होती हुई स्पेन पहुंच गई। बड़ी तादाद में मकामी कम्युनिटी ने दस्तखत करके मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का मुजाहरा किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने भी कैंप का दौरा किया। पाकिस्तान की 11 साल कोफेमा सलीना ख्वाजा ने स्पॉटिक चोटी सर कर ली। सलीना ने 7027 मीटर बुलंद चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। मुहिम में उनके वालिद और मकामी हाईपोर्टर्स भी शरीक। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली सलीना ख्वाजा 6050 मीटर बुलंद मंगलीक चोटी पर भी जा चुकी है। मार्गला के पहाड़ इस्लामाबाद के सर पर खूबसूरत ताज, सरसब्ज पहाड़ माहौल को खूबसूरत बनाते हैं तो लोगों को अपनी तरफ खींच कर भी ले जाते हैं। शहरी इक्तदार के कुछ शहरी सुबह शाम यहां ट्रेल 5 पर हाइकिंग के साथ साथ पिकनिक के मजे लेते हैं। मज़ेदार भी और सेहत बख्श भी, कराची में मौसम गर्मा के दौरान गुड़ के शरबत की मांग में इजाफा हो गया। साइट मेट्रोवेल में मिलने वाला गुड़ का शरबत शहरी बहुत पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नासीन, आज की तमाम टॉप स्टोरीज, शहर शहर नगर नगर दयारे गैर में बसे पाकिस्तानियों की हर खबर, खेल का मैदान चटपटे पकवान और सैरो सियाहत में प्यारा पाकिस्तान दिखाएंगे और आपको साथ ही साथ बताएंगे आलमी अदालत में भारत की फिर जग हंसाई।
और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़ी फतह नसीब हुई है। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव की बरियत और हवालगी का भारतीय मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। आलमी अदालत ने कुलभूषण को कौंसलर रसाई का मुतालबा तस्लीम कर लिया, जबकि आलमी अदालत इंसाफ ने करार दिया है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यादव केस पर नजरसानी कर सकती है।